नमस्ते, माधवी न्यूज रे में आपका स्वागत है। मित्रों, इस यूट्यूब वीडियो में आज हम श्रद्धेय श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध आत्मनिर्भरता का मूल पाठ करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आत्मनिर्भरता का मूल पाठ। विद्वानों का यह कथन बहुत ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। लोग भ्रमवश अहंकार वृत्ति को उसकी माता समझ बैठते हैं, पर वह उसकी सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है। चाहे यह संबंध ठीक हो या ना हो, पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता ही से उत्पन्न हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसके लिए वह गुण अनिवार्य है जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना आता है। युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई है। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करे। ये बातें आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक है। यह सारा संसार जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े गुण, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी वह पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह आप निकालती है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को न देखेंगे कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। अपने व्यवहार में कोमल रहो
और अपने उद्देश्यों को ऊंच रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चाशय दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ न रखो। जितना ही जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। संसार में ऐसे ऐसे दृढ़चित मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टीक नहीं छोड़ी, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी इतनी विपत्तियां आई पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा यही रही, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ हरिश्चंद्र क्यों टरे न सत्य विचार। महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात न मानी जिन्होंने उन्हें अधीनता पूर्वक जीते रहने की सम्मति दी, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरे को नहीं। एक बार एक रोमन राजनीतिक बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। बलवाइयों ने उससे व्यंग पूर्वक पूछा, अब तेरा किला कहाँ है? उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ। ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यही बड़ा भारी गढ़ है। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं और उनके अनुवायी बना करते हैं, वे आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति आप स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। तुलसीदास जी को लोक में जो इतनी सर्वप्रियता और कृति प्राप्त हुई, उनका दीर्घ जीवन जो इतना महत्वमय और शांति में रहा, सब इसी मानसिक स्वतंत्रता, निर्द्वंद्वता और आत्मनिर्भरता के कारण। वही उनके समकालीन केशवदास को देखिए, जो जीवन भर विलासी राजाओं के हाथ की कठपुतली बने रहे, जिन्होंने आत्म स्वतंत्रता की ओर कम ध्यान दिया और अंत में आप अपनी बुरी गति की। एक इतिहासकार कहता है, प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है, यही मैंने किया है और यदि अवसर मिले तो यही करूं। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भरता कहो, चाहे स्वावलंबन कहो, जो कुछ कहो, यह वही भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकल बड़े बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने अकेले सीता की खोज की। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका समान बड़ा महाद्वीप ढूंढ निकाला। इसी चित्तवृत्ति की दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता और अपर लोग अज्ञता से निकलकर उन्नत हुए हैं, तथा उद्योगी और अर्धव्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। इसी चित्तवृत्ति के आलंबन से पुरुष सिंहों को यह कहने की क्षमता हुई है कि मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा। यही चित्तवृत्ति थी जिसकी उत्तेजना से शिवाजी ने
थोड़े वीर मराठे सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बड़ी भारी सेना पर छापा मारा और उसे तीतर बितर कर दिया। यही चित्रवृत्ति थी जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता रहा और अंत में एक बड़ा धनुर्धर हुआ। यही चित्रवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से ऊंच बनाती है, उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण करती है तथा उसे उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने योग्य बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके हृदय के आश्रय पर स्थित रहती है, वह जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है और दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। प्रसिद्ध उपन्यासकार स्टॉक एक बार ऋण के बोझ से बिल्कुल दब गए। मित्रों ने उनकी सहायता करनी चाहिए पर उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की और स्वयं अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर अनेक उपन्यास थोड़े समय के बीच लिखकर लाखों रुपये का ऋण अपने सिर पर से उतार दिया। पाठ पूरा हुआ। अब पाठ के कुछ शब्दार्थ देखेंगे। आत्म संस्कार, अपना सुधार, आत्म मर्यादा, अपनी सीमा में रहना, स्वयं को सदाचार में रखना, उच्चाशय, ऊंचा लक्ष्य, ऊंचा अभिप्राय, बलवाई, दंगा करने वाले, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, अंधभक्ति, बिना विचारे किसी पर श्रद्धा करना, निर्द्वंद्वता, सब तरह से स्वच्छंद, अर्धव्यवसायी, लगातार यत्न करने वाला, उद्यमशील, उत्साही, चित्तवृत्ति, मन का भाव। पाठ पूरा हुआ। शब्दार्थ सहित धन्यवाद।